क्षेत्र के वार्ड परिसीमन को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता में भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जिसकी बानगी दावा आपत्ति के अंतिम दिन मुंगेली तहसील कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों की संख्या से पता चलता है। यहां आम जन और राजनीतिक पार्टी से जुड़े तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी परिसीमन पर आपत्ति दर्ज कराई, तो वहीं भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने परिसीमन पर दावा आपत्ति में दिए कम समय को लेकर राज्य शासन पर नगरीय चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया। पालिका क्षेत्र के 22 वार्डों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाना सुनिश्चित हुआ शासन के निर्देश पर, और अधिकारियों ने परिसीमन किया, लेकिन जनसंख्या के आधार पर परिसीमन ठीक नहीं हुआ है, इस पर हम आपत्ति करने आए थे। उनका यह कहना है कि आपने आज आपत्ति दर्ज किया, कल हम इसका परीक्षण करेंगे और परसों हम इसको भेज देंगे सरकार को, तो इसका मतलब यह है कि ये सुनवाई करना ही नहीं चाहती। नगर पालिका परिषद मुंगेली से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर 25 तारीख को जो प्रकाशन हुआ था, 1 तारीख तक आपत्तियां बुलानी थी, उसमें टोटल अभी हमको 34 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं आज दिनांक 1 आज तक। और मोस्टली जो आपत्तियां हैं वो वार्डों का परिसीमन जो हुआ है उसमें जो क्षेत्र में परिवर्तन हुए कि जो नए क्षेत्र इधर से मतलब एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जुड़े हैं उससे संबंधित आपत्तियां हैं। भिंड के जिला अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट का